लो जी, तेरे बिन टू का स्क्रिप्ट खुद ही लीक कर दिया उसकी राइटर नोरा मखदूम ने। नोरा मखदूम ने बता दिया कि सुपर डुपर ड्रामा सीरियल तेरे बिन के सीक्वल यानी तेरे बिन टू की कहानी क्या होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि वो कब लिखना स्टार्ट करेंगे तेरे बिन टू को, कब तक लिख लिया जाएगा, तेरे बिन टू कब ऑन एयर होगा, तेरे बिन टू के बाद तेरे बिन थ्री और तेरे बिन फोर भी आएगा क्या, कितने सीक्वल्स होंगे तेरे बिन के, क्या तेरे बिन टू के बाद आने वाले सीक्वल्स में भी वहाज अली और यमुना रेड्डी ही होंगे, और तेरे बिन ने कितनी कमाई की। आई जानते हैं कि क्या जवाब दिया इन सवालों के नोरा मखदूम ने एक इंटरव्यू में। तो व्यूवर्स, नोरा मखदूम ने इंकशाफ किया है कि पहले पहल तो तेरे बिन के सिर्फ 28 किस्तें लिखी थी इन्होंने, मगर जब ये ड्रामा सुपर डुपर हिट होने लगा तो इसकी मजीद 30 एपिसोड्स लिखवाई गई थी उनसे, यूं कुल 58 किस्तें बनाई गई इस ड्रामे की। तेरे बिन टू के मुतालिक नोरा मखदूम ने बताया कि इसमें यमुना रेड्डी और वहाज अली दोनों ही होंगे, इंतहा से ज्यादा रोमांस दिखाया जाएगा इस ड्रामे में, वो तेरे बिन टू ऐसा लिखेंगी कि मजा ना आया तो पैसे वापस, तेरे बिन टू को देख कर लोग तेरे बिन को ही भूल जाएंगे, मतलब इस कदर जबरदस्त होगा तेरे बिन टू। कहानी के मुतालिक नोरा मखदूम ने बताया कि तेरे बिन टू में हया की वापसी होगी और साथ ही रोहेल की भी, और अब किसी लड़की को थप्पड़ नहीं मारा जाएगा तेरे बिन टू समेत उनके किसी भी ड्रामे में, मगर वो तेरे बिन टू लिखेंगी 3 माह बाद, क्योंकि वो भी जियो के लिए एक और ड्रामा लिख रही है और ये ड्रामा भी रेटिंग्स के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ डालेगा, और जब ये ड्रामा लिख लेंगी वो तभी स्टार्ट करेंगी तेरे बिन टू। साथ ही साथ नोरा मखदूम ने ये भी बताया कि कम से कम 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया है तेरे बिन की हर एपिसोड ने, मतलब अंदाजन 58 करोड़ नेट प्रॉफिट, मगर ये सिर्फ अंदाजा है अंदाजा, असल प्रॉफिट तो 100 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है, और जाहिर है ये पैसा ड्रामा इंडस्ट्री में ही वापस आएगा, इससे हमारी प्रोडक्शन और पूरी ड्रामा इंडस्ट्री मजीद फ्लरिश करेगी। लेकिन सिर्फ तेरे बिन टू ही नहीं बनाया जाएगा बल्कि एक से ज्यादा सीक्वल्स बनाए जाएंगे तेरे बिन के, और हो सकता है कि इन सीक्वल्स में कहानियां भी मुख्तलिफ हों और एक्टर्स भी, जैसे खुदा और मोहब्बत में हुआ था। इसके अलावा नोरा मखदूम ने बताया कि उनकी एक यूट्यूबर से मुलाकात हुई, उसकी वीडियोस नहीं चलती थी, मगर फिर उसने तेरे बिन के मुतालिक वीडियोस बनाना शुरू की और उसका चैनल चल पड़ा और अब वो खूब डॉलर्स कमा रहा है। तेरे बिन के फ्लॉज और गलतियों के बारे में नोरा मखदूम बोली कि हर ड्रामे में ही गलतियाँ होती हैं, मगर तेरे बिन इंतहा से ज्यादा पॉपुलर हुआ था इसलिए उसकी गलतियाँ भी ज्यादा हाईलाइट हुई, लोगों ने इसके एक एक सीन को इंतहाई गौर से देखा और गलतियाँ निकाली इसमें से, और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से तो इस पर तनकीद भी की गई। वरना पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जाता है कि लड़की को दारोनिमान भेज दिया गया, तलाक हो गई लड़की को, मगर उन पर इसलिए तनकीद नहीं होती क्योंकि वो ज्यादा मकबूल तो नहीं होते, जबकि तेरे बिन तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल समेत दुनिया भर में मशहूर हुआ। अब आप कमेंट करके नोरा मखदूम को मशवरा दे कि उन्हें तेरे बिन की स्टोरी कैसे लिखनी चाहिए, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।